मेरा नाम वाणीपुर भट्टी है और आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आज हमारी रेलगाड़ी में आखिरी डिब्बे का सफर करने वाले हैं, जिसके अक्षर है क्ष, त्र, घ्न और श्र। तो आज का ये सफर हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे क्ष, क्ष के बाद सीखेंगे त्र। तो चलिए देखते हैं क्ष कैसे लिखना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक मुड़ाव करके इसको यहाँ से बन के गोला बनाएंगे, उसको ऐसे नीचे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से घुमा के वापस नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के खड़े करेंगे एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा क्ष। अभी हम त्र कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। यहाँ से हम एक मुड़ा वाली रेखा बनाएंगे, फिर उसको जोड़ के एक तिरछी रेखा बनाएंगे और उसको जोड़ के एक बनाएंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा त्र। तो चलिए देखते हैं क्ष से क्या होता है। क्ष से होता है क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। फिर ये है कक्षा, कक्षा माने क्लास, जो आप क्लास में पढ़ते हो ना वो, तो कक्षा में भी क्ष आता है। और क्ष से होता है क्षमा, क्ष से क्षमा। जब हम कोई गलती करते हैं उसको उसकी माफी मिलती है उसको क्षमा कहते हैं, क्ष से क्षत्रिय। ये है त्र, त्र से होता है त्रिशूल, त्रिशूल में भी त्र आता है। फिर ये है पत्र, पत्र में भी जब हम पत्र बोलते हैं तो उसमें पीछे त्र लगता है। और ये है त्रिकोण, तो त्रिकोण के नाम में भी त्र आता है। तो अभी हम देखते हैं कि लाइन में क्ष कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा मुड़ाव देके ब्लू लाइन तक ऊपर जाएंगे, फिर बनाएंगे गोला, उसको ऐसे नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ से घुमा के वापस नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा क्ष। वापस मैं दिखाती हूँ, देखो बच्चों इसको अच्छे से करना है। ओके, यहाँ से मुड़ाव लेके ऊपर जाएंगे, फिर एक छोटा सा गोला बना के उसको नीचे लेके आएंगे, फिर उसको घुमा के वापस नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा क्ष। अभी हम सीखते हैं कि त्र कैसे लिखना है। तो उसको भी यहाँ से एक मुड़ाव देके रेखा बनाएंगे, फिर उसको जोड़ के एक तिरछी रेखा बनाएंगे और उसको जोड़ के एक बनाएंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा त्र। मैं वापस दिखा रही हूँ, देखो बच्चों यहाँ से मुड़ाव देके एक रेखा बनाएंगे ऐसे, फिर उसको जोड़ के एक तिरछी रेखा और उसको जोड़ के एक बनाएंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा त्र। अभी देखते हैं कि इसको बुक में कैसे लिखना है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ से मुड़ाव देके ऊपर लेके जाना है, फिर एक गोला बनाएंगे, उसको नीचे लेके जाएंगे, फिर वापस एक छोटा सा घुमा के गोला बनाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा क्ष। क्ष से होता है क्षत्रिय। ओके, अब हम सीखेंगे त्र। तो उसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से एक मुड़ा वाली रेखा बनाएंगे, फिर उसको जोड़ के एक तिरछी रेखा बनाएंगे और फिर उसको जोड़ के खड़ी रेखा बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा त्र। त्र से त्रिशूल, ऐसे।
त्र के बाद आता है घ्न। तो अभी हम देखेंगे कि घ्न कहाँ से शुरू करते हो और कैसे लिखते हैं। और घ्न के बाद आता है श्र, और श्र कहाँ से लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वो मिस आपको बता रही है। तो चलिए देखते हैं घ्न को पहले कैसे करना है। पहले हम बनाएंगे एक आड़ी रेखा, फिर उसको जोड़ के एक आधा गोल, फिर उसको यहाँ से घुमा के नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा घ्न। घ्न के बाद आता है श्र, इसे कहते हैं श्र। तो श्र को हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर उसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और एक गोला बना के उसको ऐसे घुमाएंगे। उसको जोड़ के करेंगे हम एक तिरछी रेखा और उसको जोड़ के हम करेंगे एक हमारा श्र। जो ये है घ्न। घ्न से होता है ज्ञानी। घ्न से ज्ञानी। फिर घ्न से होता है यज्ञ। यज्ञ में भी पीछे घ्न आता है। यज्ञ के अक्षर में भी पीछे घ्न आता है। फिर घ्न से होता है ज्ञान। घ्न से ज्ञान। ओके। फिर होता है श्र। श्र से होता है श्रमिक। जो काम करता है उसको श्रमिक कहते हैं। तो श्र से श्रमिक। फिर श्र से होता है श्रम। श्र से श्रम। और श्र से होता है आश्रम। मतलब आश्रम के शब्द में भी बीच में श्र आता है। अभी हम देखते हैं कि लाइन में घ्न कैसे लिखते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करना है। पहले बनाएंगे हम एक आड़ी रेखा, फिर यहाँ से करेंगे एक आधा गोल, उसको घुमा के नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे हम एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा घ्न। देखो बच्चों, इसको कैसे करना है। पहले हम यहाँ से ऐसे आड़ी रेखा बनाएंगे, फिर बनाएंगे एक आधा गोल, उसको घुमा के नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे हम एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा घ्न। चलिए बच्चों, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्ष कैसे लिखते हैं। तो उसको भी हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। इसको हम यहाँ से घुमा के एक गोला बना के कैसे घुमा लेके जाएंगे, उसको जोड़ के करेंगे हम एक तिरछी रेखा और उसको जोड़ के करेंगे हम एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा श। चलिए मैं वापस दिखाती हूँ। यहाँ से ऊपर ब्लू लाइन तक हम उसको लेके जाएंगे, फिर एक गोला बना के उसको ऐसे घुमाएंगे, उसको जोड़ के करेंगे हमें तिरछी रेखा और उसको जोड़ के करेंगे हमें खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा श्र। तो चलिए देखते हैं कि हमें बुक में कैसे लिखना है। तो न बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे एक आड़ी रेखा, फिर उसको जोड़ के बनाएंगे एक आधा गोल, उसको घुमा के नीचे लेके जाएंगे, फिर करेंगे एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा घ्न। पहले बनाएंगे एक आड़ी रेखा, फिर एक आधा गोल, उसको घुमा के नीचे लेके जाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा घ्न। अभी हम देखते हैं कि श्र कैसे लिखना है। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर एक गोला बना के ऐसे घुमाएंगे और उसको जोड़ के करेंगे हम एक तिरछी रेखा और उसको जोड़ के करेंगे हम एक खड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा श्र। श्र से होता है श्रमिक। श्र से
श्रमिक। तो बच्चों, आपको ये सारे अक्षर घर पे प्रैक्टिस करने हैं। आज हमने सीखे क्ष, त्र, घ्न और श्र। यहाँ पे हमारी रेलगाड़ी का सफर खत्म होता है। हमने पूरा क से लेके श्र तक का सफर कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।